ये मनन चिंतन मंथन करके नए नए ज्ञान के पॉइंट निकालेंगे तो बेहद की पीएचडी हुई या नहीं हुई। पीएचडी का अर्थ क्या होता है? डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। जो फिलॉसफर्स होते हैं उनकी बुद्धि सदैव चलती रहती है, नई नई बातों का आविष्कार करना ही पीएचडी है। बाबा प्रजापिता जो ये आदित्य पर रिजेक्ट कर रहे थे, प्रजापिता आदित्य पर रिजेक्ट कर रहे थे, पीएचडी कर रहे थे या पिता पीएचडी कर रहे थे? कौन सी, लौकिक और अलौकिक? है लौकिक का तो हमें पता नहीं, लेकिन अलौकिक पीएचडी जरूर करता होगा। और प्रजापिता के बारे में बता रहा हूँ, आप प्रजापिता के बारे में पूछ रहे हैं ना, तो प्रजापिता अलौकिक पीएचडी बेहद की जरूर करता होगा। माथे पे लिख दें। और अपना जो राजयोग है वो अपना ये है, जो राजयोग हम लोग करते हैं सहज है और राज्य रहस्य भाई अपना ये है, है? रहस्य किस तरह सहज किस हिसाब से और रहस्यमय किस हिसाब से होता है भाई है। सहज राजयोग दुनिया वाले जो योग करते हैं वो शारीरिक योग करते हैं, हम शरीर का योग नहीं करते हैं। सहज और रहस्यमय योग हम बोलते हैं। सहज इसलिए है कि अगर श्रीमत पर चलते रहें तो बहुत सहज है, सहज से सहज है, और श्रीमत के बरखिलाफ चलते हैं तो कठिन से कठिन है। और राज भरा हुआ है, ये राज बच्चों की बुद्धि में नहीं आवेगा और न सन्यासियों की बुद्धि में आवेगा। बेसिक नॉलेज लेने वाले बच्चे हैं या सगीर बुद्धि है? बच्चा बुद्धि है, उनकी बुद्धि में वो राज नहीं बैठ सकता। सन्यासी भी हैं, सन्यासी तो हठ योगी रहे हैं, एक जन्म के या अनेकों जन्मों के हैं? अनेक जन्मों को, उनका धर्म ही सन्यास का है। सत्युग के बाद त्रेता इसलिए आया कि त्रेता में 13 जन्म होते हैं, और द्वापर इसलिए आया कि देवताएं अद्वैत होते हैं, और द्वापर से जो मनुष्य होते हैं वो द्वैतवादी होते हैं, दो दो बातें करते हैं, झूठल्ले हैं, वो झूठ की दुनिया है, दो मतों वाली दुनिया है, दो राज्यों की दुनिया है, दो कुलों से पैदा होते हैं, दो वंशी हैं, एक वंशी नहीं है, वो अद्वैत धर्म है, और ये द्वापर युग से सब द्वैतवादी हैं, इसलिए उसका नाम द्वापर पड़ता है।
दो गोलों का पुर है। आज सारी दुनिया क्या है? दो गला। और बाबा ओम मंडल से नाम बदलकर ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय कब से जब से ब्रह्मा की प्रत्यक्षता हुई कि यही ब्रह्मा है, प्रजापिता ब्रह्मा नहीं है। 51 से क्यों? कराची से मुरली निकलती चली आई है तो मुरली कौन चलाता था? नई नई बातें कौन बताता था? है शिव बाबा ही ब्रह्मा में प्रवेश करके नई नई बातें बताना शुरू किया। तो कराची से मुरली चलती है, निकलती चली आई है, तो कराची से ही ये नाम ब्रह्मा पड़ गया। जिन्होंने पहले जाना उन्होंने पहले ब्रह्मा नाम रखा, बाद में संख्या बढ़ती चली गई ब्रह्मा कुमार कुमारियों की। और हाँ जी त्रिमूर्ति चैतन्य नहीं होगी? होगी तो फिर आप पूछते क्या? जब आप खुद ही कह रहे हैं होगी, आप ही तो कह रहे हैं होगी, तो हम मानते हैं होगी है? अरे अगर होगी नहीं तो झंडा ऊंचा क्यों दिखाते हैं? कहते हैं विश्व विजय करके दिखलावे। कपड़े का झंडा, जड़ कपड़ा का झंडा विश्व विजय करेगा या चैतन्य आत्मा विश्व विजय करती है? चैतन्य आत्मा होनी चाहिए। तो चैतन्य आत्मा कौन है इस संसार में? ये झंडा बुलंद करना है। और गरीब घर में जन्म की बाबा बातों पूछ रहा। अरे कुछ पूछ रहे हैं, माता को भी बोलने दो। क्या पूछा? यहाँ तक आवाज नहीं आई माता जी। रामबा की आत्मा आखिरी जन्म में गरीब घर में जन्म की समझा नहीं क्या? हाँ। सुंदर ज्ञान किसके पास होता है? ब्रह्मा के पास होता है, कृष्ण के पास होता है या राम के पास होता है? इसलिए उसका नाम है सुदामा। दामा माने धन संपत्ति। सुंदर सुंदर धन संपत्ति ज्ञान के बाण उसके पास हैं। तो सुदामा गरीब होता है पहले, बाद में साहूकार बनता है या पहले ही साहूकार था? कोई चालाकी की होगी, चालाकी करेगा, चोरी करेगा तो गरीब बनेगा या साहूकार बनेगा? गरीब बनेगा। तो सुदामा को गरीब बनना पड़ा। फिर ब्रह्मा बाबा और कृष्ण वो आत्मा उस गरीब को क्या बना देती है? बेगर टू प्रिंस बनाई देती है। और आगे चल के अनेक आत्माएं साधन और संपत्ति आपके आगे ज्यादा से ज्यादा अर्पण करेगी, लेकिन स्वयं के प्रति स्वीकार कभी नहीं करना। स्वयं के प्रति स्वीकार करना अर्थात स्वयं को श्रेष्ठ पद से वंचित करना, इसलिए इसका मतलब ये है कि ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं बनना।
कि लोगों से पैसे लेकर के अपने लिए महल माड़ियां अटारियां बनाना शुरू कर दो, बकबके कपड़ा पहनना शुरू कर दो, अच्छे अच्छे भोजन 36 प्रकार के खाना शुरू कर दो, अपने लिए दूसरों का लिया हुआ ईश्वरीय सेवा के लिए लिया हुआ पैसा अगर यूज करेंगे तो नीचा पद बनेगा कि ऊंचा पद बनेगा? नीच पद पा लेंगे। तो बच्चा बुद्धि हुए ज्ञान को समझने वाले या शरीर बुद्धि हुए? बच्चा बुद्धि कहे जाएंगे। बेसिक नॉलेज पढ़ने वाले पढ़े कहे जाएंगे, एडवांस नॉलेज को धारण करने वाले नहीं माने जाएंगे। आगे चल करके दुनिया के लखपति करोड़पति अरबपति पदमपति ढेर की ढेर धन संपत्ति तुम्हारे सामने आके अर्पण करेंगे कि हमें भी कुछ कणा दाना दे दो, हमें भी कुछ सुना दो, भले हमारा सब कुछ ले लो, लेकिन उसे लिए हुए संपत्ति को अपने लिए यूज नहीं करना है। किसके लिए यूज करना है? ईश्वरीय सेवा में अर्पण करना है। कन्याएं माताएं स्वर्ग का गेट खोलेंगी तो कन्याओं माताओं के पीछे अर्पण करना है। ब्राह्मणों की दुनिया में कोई नई दुनिया तैयार हो रही है? तैयार हो रही है कि फाउंडेशन लग रहा है? तैयार हो रही है। तो फाउंडेशन लगने वाली दुनिया में कोई बौद्ध धर्म खंड होगा या नहीं होगा? बौद्ध धर्म खंड का सरताज इस समय दुनिया में कौन माना जाता है? जापान। भले पानी के बीच में ही बसा हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत बड़ा आक्रमण हुआ था और जापान के दो बड़े बड़े शहर नेस्त नाबूद हो गए थे, हिरोशिमा नागासाकी। वो जड़ दुनिया की बात है, हद की दुनिया की बात है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई आत्माएं होंगी निमित्त या नहीं होंगी? तो ज्ञान का पानी कब चला जाता है? है? अरे ज्ञान का पानी कब बह जाता है? है? अरे कोई देहधारी से बुद्धि लग जाती है तो सारा पानी, सारा ज्ञान धन बह जाता है। वो ही बड़े से बड़ा सुनामी है, सब कुछ विनाश कर देता है। सुनामी नाम दिया, मतलब सुंदर नाम दिया। विनाश का नाम बाला है या नहीं है? और जो नाम है वो काम के आधार पर होता है कि बिना काम के हो जाता है? तो विनाश भी बहुत कल्याणकारी है। और धर्म वंशियों का विनाश होगा,
तो सत्ता किसके हाथ में आ जाएगी? है सूर्यवंशियों के हाथ में आ जाएगी। हीरो की समा और नागा बाबा नहीं सुने? एक बड़े अघोरी होते हैं, शराब आदि भी पीते हैं। टीवी का चित्र में जो सत्युग में पहले डिनास्टी शुरू करेगा राधा कृष्ण की आत्मा है। राधा कृष्ण की आत्मा पहले डिनास्टी शुरू करेगा। पहले डिनास्टी शुरू होगा तो राधा कृष्ण की डिनास्टी शुरू करेगा। राजा ही शुरू करेगा। हाँ, तो उसका पहले तो विनाश होगा। विनाश होने के पहले तो राम वाली आत्मा और सीता वाली आत्मा जो है वो उसको जन्म देगा। तो राजा ही किसके शुरू हुआ था? तो माता पिता से ही तो राजा ही शुरू हुआ ना। माँ संगमुखी कृष्ण देखे नहीं सीढ़ी से पहले? तो संगम युगी कृष्ण है वो ही विश्व के बादशाह। हाँ, लेकिन सतयुग में तो वही पहले राजेश करेगा ना। फिर वही बात, राजाई की विश्व की बादशाही की शुरुआत संगम में होगी या सतयुग में होगी? माता को ये पता ही नहीं है कि राजधानी यहाँ स्थापन होनी है या सतयुग में स्थापन होगी। पहले तो वही माता पिता आएगा ना। ये बात नहीं बताना चाहते ताकि विश्व की राजधानी में तो वही राजधानी स्थापन हो रहे मासी करते। लेकिन चित्र आपने ध्यान से देखा नहीं है? चित्र को ध्यान से देखो, सतयुग में राधा कृष्ण अलग खड़े हुए हैं शुरुआत में और संगम युग में राधा कृष्ण अलग खड़े हुए हैं। वो दोनों अलग अलग आत्माएं हैं या एक ही आत्माओं का पेयर है? सही बात है। हाँ, लेकिन तो बात होता है कि पहले शुरू किसने शुरू करेगा? माँ पिता ही शुरू करेगा ना पहले जन्म का। तो वो संगम युग में खड़े हैं ना, संगम युग में राधा और कृष्ण संगम युगी, वो ही राजा ही शुरू करते हैं। और लिखा हुआ भी चित्र में है, लक्ष्मी नारायण के चित्र में क्या लिखा है राधा कृष्ण के ऊपर? महाराज कुमार श्री कृष्ण और महाराज कुमारी श्री राधे। किसके कुमार कुमारी हैं? है महाराजा के और महारानी के कुमार कुमारी हैं। माने उनके माँ बाप संगम युग में खड़े हुए हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र में ऊपर जो लक्ष्मी नारायण खड़े हुए हैं वो संगम युग में ज्ञान प्रकाश की दुनिया में खड़े हुए हैं। उनका नाम ही भक्ति मार्ग में पड़ता है नारायण। कहाँ उनका आयन रूपी घर है? ज्ञान जल में ही उनका घर है। दुनिया उनका घर नहीं है, उनकी मन बुद्धि दुनिया में नहीं लगी हुई है। कहाँ लगी हुई है? ज्ञान की दुनिया में लगी हुई है। तो वही महाराजा महारानी है जो विश्व के पहले बादशाह बनते हैं, फिर अपने बच्चों को सतयुग में राजा ही देंगे। और कितनी संख्या होगा? विनाश में 4.5 लाख ही बचेंगे और कितनी संख्या होगा? उस में 4.5 लाख होगा। उस डिनास्टी में 4.5 लाख होगा। 4.5 लाख ही तो बचते हैं शरीर सहित और बाकी सब खलास हो जाएंगे। और विनाश शुरू होगा तो 2036 के बाद ही शुरू होगा। तो 2036 के बाद तक आराम करो, खूब खा पी लो।
परम में दब जाएगी तो एक बाबा ने तो बोला था 76 से पहले ही कि 76 से विनाश हो जाएगा, पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी, नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। और तुम 76 के बाद बोल रहे हैं? दुनिया के लिए बोले थे, बेहद के बच्चे हो, हद के बच्चे हो, बेहद के बच्चे है। बर्फ में दब जाएगा तो किस टाइम दबेगा? क्या होगा बर्फ में दब जाएगा? हाँ, किस टाइम में होगा बर्फ में? सारे ही दब जाएंगे कि कोई बिना बर्फ के भी रहेंगे? 8 अलग है। हाँ, तो जो बिना बर्फ के भी रहेंगे, जिनकी मन बुद्धि बिंदु में जाम हो जाएगी, बिंदु रूपी स्टेज में स्थिर हो जाएगी, उन्हें कोई बर्फ में दबने की दरकार नहीं है। वो दुनिया 8 से ही शुरू हो जाएगी। राजमार्ग से सतयुग से मिलता है, सतयुग से उनको मिलता है। राजाई का जो भोग है वो आत्मा भोगती है या शरीर भोगता है? है? आत्मा ही खुशी को भोगती है। तो ऐसी कापारी खुशी अगर भोगने को मिल जाए, जो कापारी खुशी सतयुग में देवताओं को नहीं होगी, तुम बच्चों को होगी। साढ़े 4 लाख राज परिवार नहीं है जी? हाँ, 16108 राज परिवार है। 16108 3-4 साल का क्यों? कितने साल का होता है? अरे 3-4 साल का कहीं राज परिवार होगा? अरे 18 साल गाये हुए हैं, 18 वर्ष गाये हुए हैं। और ये 18 वर्ष में तो चढ़ती कला का समय है? चढ़ती कला संगम स्वर्णम संगम युग की होगी। चारों अवस्था से गुजरता है। हाँ जी, तो यहाँ पर जो जरूरत पूरे होंगे उसका तो पलक को बदली ऐसा होगा है? वो चार अवस्था से निकलेगा जो पूरे होंगे उसको, ये 18 साल चारों अवस्था से गुजरेगा। क्या बोलिए, चारों अवस्था से गुजरता है। जिन्होंने राजयोग सीखा, जिन्होंने अपनी आत्मा की संपन्न स्टेज बना ली, वो नीचे गिरेंगे या दिनों दिनों ऊपर चढ़ेंगे? तो क्यों पूछते हो? राज परिवार का होंगे सबका ऊपर चढ़ेंगे, नंबर वार ऊपर चढ़ेंगे, एक जैसे कैसे चढ़ेंगे? साल के बाद नीचे गिरेंगे माने कलयुग में पहुंच जाएंगे? है? हाँ, वो तो सभी सतयुग से नीचे गिरेंगे। 5000 वर्ष का ड्रामा शुरू हुआ और नीचे गिरना शुरू हो जाता है। सत्य का गायन वो ये सब खराब था, तो ये काली का पूजा करता है, काली का गायन ये आवाज करने वाली होता है, और गोरी का तो कुछ है जैसे बुला है, ये कोलकाता में ये बुला पूरा हिंदू स्पेशली पूरा बंगाली हिंदू दुर्गा पूजा इज द ग्रेटेस्ट पार्टन वाइज थिंग यार। कोलकाता में होता है बंगाली लोगों का, तो दुर्गा तो गौरी का पूजा है, इसका तो कोई फाउंडेशन में अभी पड़ा हुआ है, और इसका ऑटम में जितना ज्यादा गायन है बसंत काल में थोड़ा कम की। जिसने जैसा पार्ट बजाया है वहाँ वैसा वैसा गायन है।
गोरी का पाया नहीं, शकुंतल ने पाया है। जिन्होंने गोरा पार्ट बजाया है उनका गौरी का पार्ट है, जिन्होंने काले मुंह का पार्ट बजाया है उनका काली का पार्ट है। गौरी का पार्ट गौरी का पार्ट नहीं है। फिर उसका गायन नहीं है, बोलता है उसका गायन नहीं है। किसका? गौरी का। अच्छा, दीपावली ऐसे ही मुफ्त मना लेते हैं। और साढ़े चार लाख आत्मा ही बचेगी बाबा, साढ़े चार लाख आत्मा ही बचेगी बाबा, साढ़े चार लाख शरीरधारी बचेंगे, आत्माएं कभी खत्म नहीं होती। जितने भी साढ़े चार लाख का शरीर बचेगी और बचेंगे तो और कोई बचेंगे बाबा, जितने बच्चे हैं जो बचेंगे वो तो जरूर भर्ती करेंगे, बाप के बच्चे जरूर बनेंगे। अगर बाप के बच्चे ही नहीं बनेंगे तो फिर सूर्य वंश में कैसे आवेंगे? नौ लाख अरे प्रवेश करने वाले कहाँ चले जाएंगे? जो प्रवेश करने वाली आत्माएं वो कहाँ जाएंगी? वो चंद्रवंशी सूर्यवंशी नहीं बनेंगे, वो भी बनेंगे। शरीर से कितने भर्ती करेंगे बोलो? ब्रह्मा जैसी आत्माएं शरीर से भर्ती करती हैं या दूसरे के शरीर में प्रवेश करके भर्ती करती हैं? साढ़े चार लाख में ही प्रवेश करेंगे, और भी उससे कम आत्मा प्रवेश करेंगे औरों में भी प्रवेश करेंगे। बोला एक एक आत्मा में पाँच छह सात आत्मा ही प्रवेश करेंगी। तो और दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं नहीं है क्या? 33 करोड़ देवताएं हैं या सिर्फ साढ़े चार लाख ही है? कितने हैं? फिर बाबा दो लाख नारायण होंगे, शरीर भी उनका 2 लाख नारायण कहाँ से आ गए? 7-8 नारायण तो सुने गए थे बाबा, तो जो बनेंगे होंगे ना? साढ़े चार लाख होंगे ना? साढ़े चार लाख पेयर। हाँ जी, लक्ष्मी नारायण बन जाएगा। यथा राजा तथा प्रजा नहीं होती है? लक्ष्मी नारायण कहेंगे? लक्ष्मी नारायण नहीं करेंगे, लक्ष्मी नारायण जैसे कहेंगे। तो बाबा जो रुद्रमाला की मंत्र है उसका क्या चोला भी चेंज होता है? अगर स्त्री के संस्कार होंगे तो चोला भी चेंज होगा। पुरुष का संस्कार होगा तो चोला क्यों चेंज होगा? स्त्री चोला वाला होगा रुद्रमाला का मणका, और संस्कार पुरुष के होंगे कंट्रोल करने के, तो स्त्री से पुरुष बन जाएगा। और संस्कार नहीं होगा तो नहीं बनेगा। हैं? संस्कार नहीं होगा तो नहीं बनेगा। एक क्या लिखा है, किसने लिख के दिया है कि नहीं समझ में आएगा? हाँ जी, साढ़े चार लाख साढ़े चार लाख जिंदा रहेगा, जिंदा रहेगा ये नहीं कहा। लौकिक परिवार नहीं आएगा, और क्या ब्रह्मा कुमार कुमारी आवेंगे? अरे दुनिया वाले ठुकरा रहे हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी ठुकरा रहे हैं कि अपना समझ रहे हैं? हैं? ठुकरा रहे हैं। और अपने जो घर वाले हैं लौकिक खून वाले, वो तो अभी भी चाहते हैं कि घर में आ जाए या मर जाए जाके दुनिया में, अभी भी चाहते हैं घर में वापस आ जाए।
आगे केवल में से भी सीधी सेवा हुआ, बाद में कागज का पोस्टर का सेवा हुआ, इसके बाद फिक्स पोस्टर का सेवा हुआ, परंतु प्रभाव तो बढ़ता ही नहीं है। पूछना क्या चाहते है? प्रभाव प्योरिटी से बढ़ेगा या भागदौड़ से बढ़ेगा? योग बल से बढ़ेगा या भागदौड़ से बढ़ेगा? नारायण और संत पीर होता है, संत पीर को पीर मुसलमानों में होते हैं और नारायण तो हिंदुस्तान की पुरानी परंपरा में सबसे पहला राजा है जो विश्व का महाराजा बनता है। नारायण की पूजा तो बहुत पुरानी है, ये पीर वगैरह तो अभी हुए हैं। ये का मतलब क्या है? मुसलमानों की मान्यता प्राप्त आत्माएं, जैसे अपने यहाँ बड़े बड़े महात्माएं होते थे, सन्यासी होते थे, ऐसे मुसलमानों में पीर कहा जाता है। जितना याद करेंगे उतना यादगार बन जाएगा। है, है? कौन समय का? संगम युग का यादगार बनता है और काय का बनता है? अभी समय का, आज समय का। क्यों अभी याद नहीं करते हो? तो अभी का भी बनेगा। पर्चा वापस नहीं आया बाबा? मनसा सेवा करने से आत्मा कैसे उठेगा, उठ के आएगा? मुझे ज्ञान नहीं। दिल को दिल से राहत होती है या नहीं होती है? ऐसे ही उठ के आ जाएगा। सबसे ज्यादा मन पावरफुल है इंद्रियों में या इंद्रियां ज्यादा पावरफुल हैं? मन इंद्रियों का भी राजा है। मन को कंट्रोल कर लिया तो जैसे सारा जग जीत लिया, मन जीते जगत जीत कहा जाता है। व्यक्त माने में जो बाप दादा जो करते हैं, बाप दादा के द्वारा, इसमें दादा तो ब्रह्मा वाली आत्मा हो गई और बाप जो है वो राम बाप के लिए है या शिव बाप के लिए? आज की वाणी नहीं सुनी? क्लियर नहीं है। भूल गए? आज की वाणी में सुना नहीं? तो फिर राम बाप के लिए। अरे बाप दादा पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, तो शिव बाबा पढ़ते हैं क्या? फिर सुनते सुनते ही भूल गए, घर जाते जाते पूरी वाणी भूल जाएगी। और प्रकृति का हाथ में दो झाड़ू दिखाते हैं, प्रकृति का हाथ में दो झाड़ू दिखाते हैं, दिखाते हैं।
किसी को लगता हाथ में एक झाड़ू चटाता है, इसका मतलब क्या होता है? वो शीतला के ही बारे में बात बताई कि झाड़ू जो है वो राइट हैंड से लगाया जाता है या लेफ्ट हैंड से लगाया जाता है? हाँ, उस समय बताया कि प्रकृति अभी दोनों हाथों में झाड़ू लिए खड़ी है, इसका शीतल स्वरूप है, अभी झाड़ू लगाना चालू नहीं किया है। झाड़ू लगाना चालू करेगी तो कीड़े मकोड़े सब झड़ जाएंगे। ज्ञान में कीड़े मकोड़े बिच्छू टिंडन बहुत हैं। जगत में झाड़ू क्या है बाबा? आत्माएं ही कोई होगी, झाड़ू हाथ से पकड़ा जाता है ना, तो प्रकृति अपने बुद्ध रूपी हाथ से झाड़ू पकड़ती है। तेज रफ्तार से समय गुजर रहा है, तीव्र पुरुषार्थ करो। राजा परीक्षित का मिसाल है, क्या किया उन्होंने? उन्हें पता चल गया कि अब 7 दिन की हमारी जिंदगी है, तो क्या किया? सब बता जी, हरे बाजू, छोड़ छाड़ दो सब है? याद का अभ्यास करो और दुनिया से बैराग करो। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं तीव्र गति से दौड़ने का, हाई जंप लगाने का। हाँ, जोर से बोलो। सतयुग में जो लक्ष्मी नारायण है, जगदम्बा का पाठ संगम युग में बड़ा बोलबाला है या सतयुग में बोलबाला का पाठ होता है? जो नरसे नारायण है वो संगम युग में विशेष पाठ बजाता है या सतयुग में विशेष पाठ बजाता है? संगम में विशेष तो एक ही बार तो पाठ विशेष बजाएगा, बाकी तो सामान्य में चला जाएगा। जो राधा कृष्ण है सतयुग के पहले जन्म में पाठ बजाएंगे, वो अगले जन्म में सामान्य पाठ बजाएंगे या उसी गद्दी पे बने रहेंगे? सामान्य पाठ बजाएंगे। तो ऐसे ही जगदम्बा है चाहे जगत पिता है, ये संगम युग में विशेष पाठ बजाते हैं या सतयुग की 8 गद्दियों में विशेष पाठ बजाते हैं? संगम है युग ऊंचे थे ऊंचा युग। इसमें जो नाम बाला किया तो आत्मा सदा के लिए सुखी और सुहाला हो जाती है। बाबा आपने बोला है आगे चल करके 3 टांग की दौड़ दौड़ना है, तो ये 3 टांग का मतलब क्या है? जब आगे चलेंगे अपने पार्ट की पहचान हो जाएगी तो 21 जन्मों का साथी कौन आत्मा है ये पता लग जाएगा या नहीं लग जाएगा? तो पुरुष की बाईं टांग और स्त्री की दाईं टांग दोनों मिलकर के एक हो जाएंगी स्वभाव संस्कार से, और पुरुषार्थ की दौड़ दौड़ेंगे
ये स्वभाव संस्कार मिलाने की बात है। है तीन टांग हो गई ना, दो टांगे मिलकर के एक हो गई, आगे पीछे नहीं चलेंगी, साथ साथ दौड़ेंगी। एक इधर एक, दो टांगे बीच में इकट्ठी हो गई, बंध गई। क्या स्कूल में तीन टांग की दौड़ नहीं दौड़ाई जाती है? वो यहाँ की यादगार है, जब दौड़ेंगे तो ये दो टांगे एक साथ आगे जाएंगी, ये भी साथ साथ चलेंगी, और ये दो टांगे भी एक साथ साथ आगे जाएंगी। है आगे पीछे हो जाएंगे तो डिगमगा जाएंगे, मिल करके चलो। हाँ हाँ तो जाओ ना उधर, यहाँ काहे के लिए बैठे है? सारी बुद्धि वहीं खींची हुई है। जैसे जैसे शिव बाबा याद ही नहीं यार, कोई तो यही यहाँ रुद्रमाला के बीच में ही ढूंढना शुरू कर दिया कोई ने तो। है स्थूल में घुंघरू डमरू दाएं हाथ से पकड़ते हैं कि बाएं हाथ से पकड़ते हैं? है शंकर जी का डांस कभी देखा है? हाँ। एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू, तो जब दाएं हाथ में डमरू पकड़ते हैं तो डमरू दोनों तरफ बजता है, दाईं ओर भी डमाडम करता है और बाईं ओर भी डमाडम करता है, भक्ति मार्ग वालों में भी आवाज करता है और ज्ञान मार्ग वालों में भी आवाज करता है। सारी दुनिया में विनाश का कोलाहल हो जाएगा, ब्राह्मणों की दुनिया में बाबा ने जो विनाश की घोषणा की थी वो कब की थी? हैं? 76 में बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया को उस डमरू ने ही डामाडोल किया था। पहला लिटरेचर डमरू ने तैयार किया। शिवका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के वेद खोले, 9 पेज का पूरा बढ़िया लिखा हुआ एक रात में तैयार कर दिया। और दूसरे दिन होते ही उसे साइक्लो स्टाइल से छपा दिया और छपा के सब सेंटरों में भेज भी दिया। बस विनाश हो गया। ये डमरू आदि और अंत में कमाल करता है। कोई चैतन्य आत्मा होगी या जड़ होगा? चैतन्य आत्मा है। बाबा ने बोला है विनाश सामने खड़ा है, विनाश शुरू नहीं हुआ है? खड़ा है, शुरू कहाँ हुआ? अरे विनाश दौड़ने लगा या खड़ा है? खड़ा है, अभी हलन चलन में नहीं है। है
है, अचानक हलचल शुरू हो जाएगी। और देवी देवों का उनका धर्म क्या है? देवी देवों का, अरे आवाज सुनाई नहीं पड़ती है, ऊपर सुनो या नीचे सुनो, एक तो रुक जाओ। यहूदी धर्म क्या है? योगी यहूदी 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 और उनका गुरु पिता का नाम क्या है? जब धर्म पिता के बारे में इस्लाम धर्म का ही पता नहीं है, जिनकी संख्या दुनिया में इतनी जास्ती है, तो यहूदी तो बहुत थोड़े हैं, और अभी हैं भी हैं या नहीं है, बहुत थोड़े हैं, तो उनके धर्म पिता का बाप का नाम कौन बतावेगा? वो तो एक तरह का मठपंत हो गया, यहूदी पारसी इसको मानते देवी देवों का मस्तक का मुकुट दिखाता है, देवी देवों का मस्तक का मुकुट दिखाता है, मस्तक में मुकुट दिखाते हैं, शंकर का मुकुट नहीं दिखाता है। उन्होंने पवित्रता की जिम्मेवारी को दिखावे के लिए धारण किया, देखो हम पवित्रता धारण करते हैं, हे भाई हम 8 साल से पवित्र हैं, हमारी शादी हो गई फिर भी हम पवित्र हैं, हे भाई हम पवित्र हैं। उन्होंने दिखाई पवित्रता, उनका ताज देखने में नहीं आता है, वो कहते नहीं है हमने पवित्रता धारण की है, ये राज की बात है, ये अंदरूनी राज है। ये लक्ष्य स्वरूप है। आजकल एक एडवर्टाइजमेंट निकलता है, लक्ष्य खोजी, सुना कि नहीं सुना? हाँ, तो ये राज की बात है, अंदरूनी बात है। इस राज को कोई बिरले समझेंगे, पवित्रता मुख से दिखाने की चीज है, कोई कोई तो कहते हैं दूसरों से, हम पति पत्नी पवित्र रहते हैं, भाई बहन हैं, तो ये भाई बहन कहने से लोग समझ लेंगे क्या? मुख से कहने से भाई बहन हो जाएंगे? बिल्कुल, बगले तो मरी हुई मछलियां भी खाते रहते हैं, युगल का तो आपस में विश्वास होगा, श्रद्धा होगी, गीता पाठशाला खोल के बैठेंगे, लक्ष्मीनारायण का मंदिर बनाएंगे अपने घर को, तो लोगों की बुद्धि में बैठेगा कि इनका ज्ञान सच्चा है और सन्यासियों का ज्ञान झूठा है। और घर में लड़का हो, उसकी शादी हो गई हो, अभी तो बता दिया बच्चा कौन है, बच्चा वो है जो माँ बाप की बात माने, फरमान को माने, अगर बच्चा फरमान को नहीं मानता तो कान पकड़ के निकलो बाहर, बच्चा बच्चा नहीं है तो फारकती काय के लिए दी जाती है, काय के लिए निकल जाए? रचयिता ज्यादा पावरफुल होता है या रचना ज्यादा पावरफुल होती है? वो कहते हैं खुद निकल जाए, एजनों का राज्य बढ़िया है।
बाहुबल का प्रयोग नहीं करना, बाहुबल का प्रयोग नहीं करना। ये किसने कहा बाहुबल का प्रयोग करना है? कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते? कानून तो तुम्हारे हक में बना हुआ है। आज भी कानून की सारी बातें सूर्यवंशियों के हक में बनी हुई हैं। कानून का एक एक मुद्दा सूर्यवंशियों को सपोर्ट दे रहा है, तो बाहुबल चलाने की क्या बात है? बाबा कौन से ब्रह्मा को फॉलो करना है? लेखराज ब्रह्मा को फॉलो करना है, जगदम्बा ब्रह्मा को फॉलो करना है, या प्रजापिता ब्रह्मा को फॉलो करना है? क्योंकि आपने बोला है ब्रह्मा सो विष्णु, तो पांच ब्रह्मा है ना। अब बताओ असल में ब्रह्मा कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा असल ब्रह्मा, वो पिता भी है तो असल कहाँ हुआ? वो तो नकली हो, डोगला हो गया है। मुरली में बोला स्पष्ट कर दिया, वास्तव में ये ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है। जगदम्बा जगदम्बा नहीं है, वो तो डब्बा है। उसके अंदर प्रवेश करके काम कराने वाली सोल वो ही ब्रह्मा का पार्ट बजाती है। हाँ हाँ जी, प्योरिटी और सौ परसेंट यूनिटी इसका मतलब क्या है? 100% प्योरिटी और 100% यूनिटी इसका मतलब क्या है? तू तो और धीरे बोलती है। 100% प्योरिटी, उसी से 100% यूनिटी बनेगी। यूनिटी माने संगठन। ब्राह्मणों की दुनिया में अभी 100% यूनिटी देखने में आ रही है, नहीं है? इसका मतलब 100% प्योरिटी भी कोई के अंदर नहीं है। जब 100% प्योरिटी कोई एक के अंदर भी आ जाएगी तो उसकी पहचान दी हुई है कि जो देखे, जो कानों से सुने, उसके मुख से निकलेगा सर्वशक्तिमान मेरा बाप आ गया। जहां जावेगा वहां सेवा होगी, जहां देखेगा वहां प्रभाव पड़ जाएगा। जो दो बोल सुनेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा। भक्ति मार्ग में भी ऐसा प्रभाव दिखाया है। बौद्ध धर्म जब शुरुआत में स्थापन हुआ था तो एक ऐसा भी प्रचंड फॉलोअर निकला बौद्ध का, महात्मा बुद्ध का, जिसने एक ही भाषण में 60,000 लोगों को बौद्ध बना डाला। तो ये तो देवी देवता सनातन धर्म है, चार पीढ़ी ऊपर है। बौद्धियों से ऊपर है इस्लामी, इस्लामियों से ऊपर है चंद्रवंशी, और चंद्रवंशियों से ऊपर है सूर्यवंशी। और तो
नाम क्या है? नाम हिस्ट्री में देखो जाके सारी बात हम बताएंगे। हम तो उतनी बात बताएंगे जितना मुरली में बताया। मुरली में नाम बताया है क्या? बताया है? नहीं बताया? और ओम शांति।